हेलो एवरीवन वेलकम टू स्लीपी क्लासेस आज हम देखेंगे स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम नाउ अभी तक हमने परसेंटेज कर लिया प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया और ये हमारा थर्ड सीरीज होने वाला है स्पीड डिस्टेंस का मैंने जब परसेंटेज जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय ही हमने बताया था कि जितना भी आगे का चैप्टर्स होगा उसमें परसेंटेज का कंसेप्ट यूज होगा ओके और हर चैप्टर का आप जानते हैं कि कुछ टर्मिनोलॉजीज होता है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में हमने देखा कि प्रॉफिट क्या होता है लॉस क्या होता है मार्क प्राइस क्या होता है कॉस्ट प्राइस क्या होता है सेलिंग प्राइस क्या होता है डिस्काउंट रेट क्या होता है तो यहाँ पर भी हमारा क्या है कि स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम जो है ये चैप्टर ऐसे तो बहुत सिंपल चैप्टर है इसमें कुछ भी नहीं है लेकिन इसमें भी क्या होता है कि इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होते हैं जैसे कि एवरेज स्पीड क्या होता है या फिर रिलेटिव स्पीड क्या होता है तो इन सब चीज़ों को अगर आप जानते हैं तो फिर इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं ठीक है इन सब जो टर्म्स हैं इनका कुछ मतलब बेसिक सा कंसेप्ट है जिसको अगर आप समझ जाइएगा तो क्वेश्चन जो है वो आप बना लीजिएगा और स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक्सटेंशन है टाइम एंड वर्क का अब हम लोग इसको देखेंगे कि इसमें हम लोग कैसे टाइम एंड वर्क का जो एक्सटेंशन हम लोग इसको बोल रहे हैं तो हम लोग वहाँ पर जैसे वर्क होता था तो यहाँ हमारा डिस्टेंस हो जाएगा जैसे वहाँ पर भी टाइम होता था तो यहाँ पर भी टाइम होगा स्पीड जो है वो एक्चुअली हमारा एफिशेंसी है जो कि हम टाइम एंड वर्क में पढ़े थे ठीक है तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें कि इस चैप्टर में एक्चुअली हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे क्योंकि अगर आप चैप्टर को अच्छे से डिफ़ाइन कर देते हैं आ, कि हमको इसके अंदर क्या पढ़ना है तो हमारे लिए जो है पूरा टॉपिक ईजी हो जाता है तो हम लोग वही ट्राई करेंगे पहले कि चैप्टर को हम मेन 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 चीज़ जो हम लोग को चैप्टर में पढ़ना है वो सब टॉपिक को हम लोग जान लेंगे और उसके बाद जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि हर स्पेक्ट्रम ऑफ क्वेश्चंस को कवर किया जाए और लेक्चर्स में जो लास्ट uh, वाले जो हमारा जितना एंडिंग लेक्चर्स होगा उसमें हम लोग जो सी का जो क्वेश्चन आता है जो टफ़ क्वेश्चन आता है स्पीड डिस्टेंस टाइम उसको कवर करेंगे ठीक है तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेकर फिर हम लोग एकदम हायर लेवल पे जाएंगे ओके सो लेट स्टार्ट नाउ सबसे पहले किसी भी चैप्टर पढ़ने से सबसे पहले ये अच्छा रहता है कि हम जान लें कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले क्या हैं तो यहाँ पर हमारा क्या है कि वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी फर्स्ट चीज़ जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो है कंसेप्ट ऑफ स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम ठीक है इसमें ऐसे तो कोई कंसेप्ट है नहीं ठीक है लेकिन हम लोग देखेंगे कि स्पीड किसको बोलते हैं डिस्टेंस किसको बोलते हैं टाइम किसको बोलते हैं और इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है ठीक है दूसरा जो एक बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है वो आता है यूनिट्स एंड कन्वर्जन में नाउ जनरली आपका स्पीड जो है वो कहीं कहीं पर आपका किलोमीटर पर परार दिया रहेगा कहीं माइल पर परार दिया रहेगा या कहीं मीटर पर सेकंड दिया हुआ रहेगा या कहीं मीटर या कहीं किलोमीटर पर मिनट दिया हुआ रहेगा या कहीं मीटर पर मिनट दिया हुआ रहेगा तो हर तरह का यूनिट आपको एग्ज़ाम में आ सकता है ठीक है तो अगर आप यूनिट्स को इंटर मतलब कन्वर्ट करना एक दूसरे में अगर आपको क्योंकि आपको जनरली जब स्पीड किलोमीटर में पर आर में दे देगा दे तो आपका टाइम सेकेंड्स में दे देगा दे दे तो वहाँ पर आपको जो होता है मिसमैच हो जाता है यूनिट्स का तो वहाँ पर आपको किसी एक को दूसरे के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ठीक है तो हम लोग उसको भी एकदम बेसिक तरीक़ा से देखेंगे कि आखिर क्या ऐसा होता है जब मतलब कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे जब किलोमीटर आ जाए तो उसको मीटर में या मीटर आ जाए तो उसको किलोमीटर में ओके सो so, और तीसरा कंसेप्ट जो है हमारा जो हम लोग देखेंगे वो है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ना एवरेज वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है ये फिजिक्स का कंसेप्ट है यहाँ पर कोई काम नहीं आएगा पर फिर भी आप जान लेंगे कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर क्या होता है वेलोसिटी या स्पीड में अंतर क्या होता है अगर फॉर दैट मैटर आपको कहीं ऐसा कभी क्वेश्चन आ गया कहीं पर आपका अगर क्वेश्चन में लिखा जाए कि वेलासिटी या डिसप्लेसमेंट ठीक है तो आप घबराए नहीं ठीक है ना ऐसा होता है कि क्योंकि क्वेश्चन जो हो सकता है कुछ भी आ सकता है ऐसा तो कोई कहीं फिक्स नहीं लिखा हुआ है कि वेलोसिटी से नहीं पूछेगा तो अगर आता है कहीं पे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का जिक्र होता है तो आप लोग उस चीज से कस्टमड हो ये हम लोग इसमें इंश्योर करेंगे फोर्थ हमारा है रिलेटिव स्पीड ना ये जो है ये सबसे कह सकते हैं जो पूरा टाइम एंड डिस्टेंस स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का जो है सबसे एक्सटेंसिव जो है ये टॉपिक है क्यों क्योंकि इसके अंदर क्या होता है ना कि इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होते हैं बाकी सब इसमें क्या है कि यूनिट्स कन्वर्जन या एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड वाले में क्वेश्चंस जो आते हैं वो मतलब ऑलमोस्ट एक ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं कुछ ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है पर इसमें क्या है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होता है जैसे इसमें हम लोग देखेंगे कि जब मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं या सेम डायरेक्शन में चेज कर रहे हैं ठीक है तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है Uh, उसमें ही आता इसी तरह के क्वेश्चन में आता है आपका मीटिंग पॉइंट क्वेश्चन की जब दोनों साथ चल रहे हैं तो किस मतलब कितने देर के बाद मिलेंगे कहाँ पर मिलेंगे इस तरह का क्वेश्चन आता है ठीक है इसमें और भी बहुत सारा इसमें जैसे सर्कुलर ट्रैक का क्वेश्चन आता है ठीक है सर्कुलर ट्रैक पर दो रेसर हैं एक एक ने किसी स्पीड से स्टार्ट किया दूसरे ने दूसरे स्पीड से स्टार्ट किया तो दे कितने बार मतलब कितने टाइम के बाद उन लोग मिलेंगे या कितनी बार मिलेंगे ऐसा क्वेश्चन आता है तो इन सब को भी हम लोग देखेंगे सर्कुलर ट्रैक स्क्वायर ट्रैक रेक्टेंगुलर ट्रैक का क्वेश्चन जो आता है वो इसमें हम लोग देखेंगे उसके बाद एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है इसमें जो है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम प्रॉब्लम जिसमें कि आप सुने होंगे कि एक मैन जो है वो सेल कर रहा है कभी डाउनस्ट्रीम कभी अपस्ट्रीम तो दोनों के टाइम में कुछ डिफरेंस होता है तो दोनों का निकालना होगा कि भाई स्ट्रीम का वेलोसिटी क्या है और मैन का वेलोसिटी क्या है तो इस तरह के भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तीसरा हमारा क्या होता है मूविंग स्टेयर जो हमारा नहीं होता है जो एलिवेटर्स होता है जो सॉरी एलिवेटर्स जो उसको ये कहते हैं एस्केलेटर्स जो कहते हैं जो जो मतलब अपने एक उसका भी एक खुद स्पीड होता है और हम लोग का भी जो स्टेयर्स चढ़ने का होता है कुछ स्पीड होगा तो क्वेश्चन ये आएगा कि कितने देर में हमने कितना स्टेयर्स क्लाइम किया या कितना हाइट रीच किया तो इस तरह का क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे तीसरा जो चौथा जो होता है सॉरी चौथा जो हमारा होता है वो ट्रेन एंड चेज प्रॉब्लम का भी जैसे उसमें वही होता है कि दो ट्रेन आपस में गुजर रहे हैं या ये कर रहे हैं तो उसका रिलेटिव स्पीड क्या होगा कितने देर में दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो ऐसा क्वेश्चन जो आता है इसको हम लोग देखेंगे नाउ हमने पहले ही कहा था कि परसेंटेज जो हमने पढ़ा था फ्रैक्शन और कैसे इंक्रीज डिक्रीज होता है परसेंटेज में उसका भी यूज़ जो है हमारे स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम में आएगा क्योंकि आपके कहीं कहीं क्वेश्चन पे क्या होगा कि ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि द स्पीड इज़ इंक्रीज बाय 33 थ्री वन बाय थ्री परसेंट ठीक है तो ऑब्वियसली वहाँ पर 33 थ्री वन बाई थ्री परसेंट से इंक्रीज किया गया तो एक्चुअली जो स्पीड है वो फोर बाई थ्री टाइम्स बन जाएगा ऑरिजिनल के तो इस तरह का क्वेश्चन भी जो है हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे जहाँ पर परसेंटेज का यूज़ होगा और इंक्रीज़ एंड डिक्रीज का यूज़ होगा स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम में ठीक है तो अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं ना सबसे पहला जो सबसे एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम ना आप जब आप गाड़ी चलाते हैं कोई भी गाड़ी चाहे वो मोटरसाइकिल हो या गाड़ी हो फोर व्हीलर हो तो आप जो जब आप स्पीडोमीटर आपके सामने लगा हुआ रहता है ठीक है तो स्पीडोमीटर पे जो आपको स्पीड दिखा रहा रहता है या जिसको आप बोलिए वेलोसिटी ठीक है अभी हम लोग वेलोसिटी पे मतलब अभी आप समझ लीजिए कि स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज़ होता है अगर हम स्पीड बोल रहे हैं तो भी वही मतलब है वेलोसिटी बोल रहे हैं तो भी वही मतलब है तो जब आप वहाँ पर जो स्पीडोमीटर में जो स्पीड देखते हैं ठीक है वो ऐसे जैसे समझिए ये गाड़ी मूव कर रहा है यहाँ से ये गाड़ी मूव कर रहा है एक किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर यहाँ पर जैसे एक है ना कोई एक ये इस पॉइंट पर ये गाड़ी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इस समय जो है इस गाड़ी का वेलोसिटी जो है या स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आर है ठीक है तो यहां पर जो इसका वेलोसिटी है ये इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ठीक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड ये जो स्पीड speed, जो स्पीडोमीटर आपका बता रहा है ये बता रहा है कि इस टाइम में ये कितने स्पीड से मूव कर रहा है नाव अभी जब हम लोग जब हम लोग आगे पढ़ेंगे लेक्चर्स में तो हम लोग एवरेज स्पीड का कंसेप्ट देखेंगे एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या अंतर होता है ठीक है पर यहाँ पर अभी फॉर द टाइम सेक हम लोग ये मान लेते हैं कि अगर कोई एक डिस्टेंस है सोचते हैं जैसे पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है ठीक है इसका डिस्टेंस अगर ये डी है और अगर कोई बॉडी मूव करता है तो वो टाइम टी लेता है यहाँ से यहाँ जाने में तो इसके बीच का जो स्पीड होगा बॉडी का और हम लोग मान लेते हैं कि वो पूरा डिस्टेंस जो है वो उन लोग मतलब बॉडी जो है या जो भी मैन या कोई कार जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से कंप्लीट किया है ठीक है यहाँ पर हम लोग इंस्टेंटेनियस और एवरेज की बात नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल जब हमारे क्वेश्चन में मैंशनड होता है कि इतना डिस्टेंस इतने टाइम इतना टाइम में कवर किया दूसरा डिस्टेंस इतना टाइम में कवर किया तो जब ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहता है तो हम लोग स्पीड को कॉन्स्टेंट मानते हैं ठीक है तो अगर ए पॉइंट ए से पॉइंट बी आप मूव कर रहे हैं किसी स्पीड से तो वो स्पीड जो है वो आपका कांस्टेंट होगा और दैट इज गिवन बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम ठीक है नाउ आप यहां पे देख रहे हैं कि हमारा स्पीड का फॉर्मूला क्या है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस स्पीड का जो यूनिट होता है दैट इज किलोमीटर पर आर या मीटर पर सेकेंड जो भी होता है पहले हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि किलोमीटर पर आवर ना डिस्टेंस का जो है वो यूनिट किलोमीटर है और टाइम का जो यूनिट है वो आर है अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि स्पीड जो है वो एक्चुअली क्या है किलोमीटर पर आर आ रहा है तो हम लोग ऐसा ही टाइम एंड वर्क में भी देखते थे जब हमारा कोई पाइप पानी जब भरता था टैंक में तो हम लोग कितना मानते थे कि मतलब लीटर्स पर मिनट या लीटर्स पर आर तो वहाँ पर जो पाइप वर्क कर रहा था वो उसका एफिशिएंसी होता था तो यहीं पर जो यहाँ जो स्पीड है ये ये स्पीड जो है ये उस कार का एफिशिएंसी है मतलब कि अगर हम अगर एक सर्टेन डिस्टेंस हमको कवर करना है और एक कार को मतलब सर्टेन डिस्टेंस कवर करना है और इतने टाइम में उसने कवर किया तो हम बोलेंगे कि उस कार का एफिशिएंसी इतना है और जो एफिशिएंसी होता है वही उसका स्पीड होता है यहाँ पर ठीक है इसी कारण स्पीड का कोई नया कंसेप्ट नहीं है हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ चुके हैं वहाँ पर हमने देखा था कि बस वहाँ पर वर्क करना रहता था यहाँ पर आपको डिस्टेंस कवर करना है ठीक है तो स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम में आपने देखा कि कैसे हमारा जो है रिलेशन uh, है स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम अब आप यहाँ पर आता है कि डिस्टेंस अगर है डी इज इक्वल टू लिख क्या लिख सकते हैं स्पीड इन टू टाइम ठीक है तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि अगर हमारा स्पीड इंक्रीज़ होता है अगर हम लोग किसी भी अगर हम लोग डिस्टेंस फिक्स रखे हुए हैं तो अगर अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस फिक्स है ए से बी ही मूव करना है और एक टाइम पे स्पीड हम लोग ज़्यादा तेज मतलब तेज़ी से जाते हैं तो हमारा ऑब्वियसली टाइम जो है वो घटेगा क्योंकि डी जो है वो कॉन्स्टेंट है ठीक है अगर एक टाइम में हम लोग स्पीड को घटाते हैं तो हमारा टाइम जो है वो बढ़ जाएगा ये कुछ बेसिक सा चीज़ है इसमें कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है लेकिन इस तरह से आप लोग को अगर कहीं पर दिया हुआ तो आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को ठीक है अब हम लोग बढ़ते हैं आगे तो स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया कि ये क्या होता है अब जब आगे हम लोग जाएंगे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड या एवरेज स्पीड का जब बात करेंगे तो फिर हम लोग डिटेल में जाएंगे नाउ अब हमारा आता है यूनिट्स एंड कन्वर्जन जो हमारा सेकेंड टॉपिक है अब हम लोग उसको देखते हैं ना यूनिट्स एंड कन्वर्जन में आ, हम लोग को वही करना है क्योंकि हमारा जब दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में कि आपका स्पीड जो है वो दे दिया है किलोमीटर पर आर में पर आपका टाइम जो है वो दे दिया है सेकेंड्स में तो वहाँ पर हम लोग को एक दूसरे में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को उसी से आंसर आएगा ना जैसे हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर कि हमारा एक सर्टेन कार मूव कर रहा है आ, मान आ, जैसे कितना मान लें सेवेंटी टू किलोमीटर पर आर के स्पीड से मूव कर रहा है ओके okay? ठीक है ना सेवेंटी टू किलोमीटर पर आर जो है ये कैसे लिखा सकता है सेवनटी टू किलोमीटर डिवाइडेड बाय वन आर यही है कुछ ऐसा क्योंकि सेवेंटी टू किलोमीटर जो है एक घंटे में ये कार कवर करेगा तो इसको लिखेंगे क्या सेवेंटी टू किलोमीटर डिवाइडेड बाय वन आर ठीक है अब यहाँ पर है क्या कि जैसे किलोमीटर का आप लोग जानते हैं कि एक किलोमीटर में कितना मीटर होता है वन थाउजेंड मीटर तो हम लोग इसको और एक आर में जो है एक आर में कितना सेकेंड्स होता है कितना एक आर में कितना मिनट होता है सिक्सटी मिनट होता है और एक मिनट में कितना सेकेंड होता है सिक्सटी सेकेंड होता है तो हमारा एक आर में जो है वो कितना सेकेंड्स हो गया सिक्सटी इंटू सिक्सटी डैट इज़ थर्टी सिक्स हंड्रेड जो है हमारा सेकेंड्स हो गया तो इसको हम, तो हम लोग ऐसे लिखते लिख सकते हैं सेवेंटी टू इंटू यहाँ वन किलोमीटर है ये किलोमीटर है तो इसको हम लोग कर देते हैं वन थाउजेंड मीटर क्योंकि एक किलोमीटर कितना होता है एक हज़ार मीटर के बराबर तो होता है डिवाइडेड बाई वन आर है तो वन आर को हम लोग को क्या लिखना है सेकेंड्स में लिखना है तो लिख सकते हैं थर्टी सिक्स हंड्रेड सेकेंड्स राइट अब आपका क्या आ गया मीटर ऊपर और नीचे सेकेंड्स आ गया तो अब जो है ये क्या है एक्चुअली सेवेंटी टू इंटू हम लोग लिख सकते हैं वन थाउजेंड डिवाइडेड बाई थर्टी सिक्स हंड्रेड ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड ठीक है तो आप देख रहे हैं कि सेवेंटी टू इंटू अब इसमें तो जीरो जीरो कैंसिल हो गया फाइव से मतलब ये टू से करेंगे तो आ जाएगा फाइव डिवाइडेड बाई एटीन तो हमारा जो फाइनल आ जाएगा वो आ जाएगा एटीन फोरज़ा और ये हो जाएगा ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड तो हम लोग डायरेक्टली अगर हम लोग को किसी भी कहीं पर अगर स्पीड हमारा दिया हुआ है कि सेवेंटी टू किलोमीटर पर आर है तो उस केस में या कहीं पर भी कुछ भी किलोमीटर पर आर में दिया हुआ है तो अगर हम लोग उसको डायरेक्टली फ़ाइव बाई एटीन से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर आप ध्यान दीजिए फाइव बाई एटीन से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम आपको अगर किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो हम लोग कर दिए वन थाउजेंड मीटर अगर हम लोग आर में सेकंड में चेंज करना है तो थर्टी सिक्स हंड्रेड सेकेंड में चेंज कर दिए तो वो जो हमारा रेशियो आता है चेंज करके वो आता है फाइव बाई एटीन इसी कारण हम लोग हर जगह जो है जहाँ पर हमारा किलोमीटर पर आर रहता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं फाइव बाई एटीन से ठीक है अब जो है नेक्स्ट होता है क्या कि भाई आपका मीटर पर सेकेंड कहीं दे दिया है और आपका टाइम जो है वो आर में दे दिया है तो ऑब्वियसली आपको स्पीड को जो है मीटर पर सेकेंड जो है उसको आर में चेंज करना पड़ेगा ठीक है जैसे मान लेते हैं कि हमारा है टेन मीटर पर सेकेंड कहीं पर दिया हुआ है तो अब यहाँ पर क्या करेंगे टेन मीटर डिवाइडेड बाई वन सेकेंड है ऐसा ही कुछ है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं टेन अब मीटर एक मतलब एक किलोमीटर में वन थाउजेंड मीटर होता है एक किलोमीटर में वन थाउजेंड मीटर होता है ठीक है तो एक मीटर में कितना किलोमीटर हम लोग बोल सकते हैं वन बाई वन थाउजेंड किलो मेंटर? बोल सकते हैं ना यूनिटरी मेथड से तो जब हमारा ये हो जाएगा वन बाई वन थाउजेंड मीटर तो यहाँ पर जो मीटर है अगर हमको इसको किलोमीटर में लिखना है तो क्या लिख देंगे वन बाई वन थाउजेंड किलोमीटर डिवाइडेड बाई वैसे ही सेकेंड क्या होता है थर्टी सिक्स हंड्रेड सेकेंड्स जो होता है वो होता है एक आर में तो एक सेकेंड में कितना आर हुआ वन बाई थर्टी सिक्स हंड्रेड तो वही चीज़ यहाँ पुट कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा वन बाई थर्टी सिक्स हंड्रेड यह आ गया आर तो अगर इसको फाइनली थर्टी सिक्स हंड्रेड ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा टेन इंटू थर्टी सिक्स हंड्रेड डिवाइडेड बाई वन थाउजेंड तो ये हमारा आ गया और ये हो गया किलोमीटर पर आर में तो हमारा आ गया टेन इंटू एटीन बाई फाइव किलोमीटर पर आर एंड ये टू से तो हमारा आ गया थर्टी सिक्स किलोमीटर पर आर तो यहाँ पर अगर हम लोग डायरेक्टली अगर हम लोग को मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आर में चेंज करना है तो डायरेक्टली हम लोग एटीन बाई फाइव मल्टीप्लाई कर देंगे अब आपने देखा कि हम लोग को किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकेंड में जाना है तो क्या मल्टीप्लाई किया फ़ाइव बाई एटीन मीटर पर सेकेंड से जाना है किलोमीटर पर आर में तो हमारा आ गया एटीन बाई फाइव ठीक है आप लोग अब जो है इसका कंसेप्ट गए कन्वर्जन क्योंकि हर जगह आपका दे देता है कि फाइव बाई एटीन से मल्टीप्लाई करेंगे पर यहाँ से हम लोग एकदम बेसिक से समझे कि फाइव बाई एटीन से हम लोग क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हम लोग जो है ऐसे ही चेंज कर सकते हैं ठीक है अब हम लोग जो है देखते हैं कुछ क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे कोई भी एकदम एकदम बेसिक एकदम जो बेसिक क्वेश्चन होता है उनसे स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे ना इस क्वेश्चन को क्या है कि आप वीडियो को पॉज करिए अटेम्प्ट करिए और फिर इसका सॉल्यूशन देखिए अ कार इज़ ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ फोर्टी किलोमीटर पर आर कैन कंप्लीट अ जर्नी इन नाइन आवर्स हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस एट सिक्सटी किलोमीटर पर आर ठीक है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा जो है डिस्टेंस वो फिक्स है ठीक है यहाँ पर से मानते कि जैसे पॉइंट ए और बी में कोई कार मूव कर रहा है तो अगर फोर्टी किलोमीटर पर आर के स्पीड से मूव करता है तो नाइन आर लगता है ठीक है तो 60 किलोमीटर पर आ कर स्पीड से मूव करेगा तो कितना टाइम लगेगा ठीक है तो हम लोग मान सकते हैं डिस्टेंस को पहले करते हैं डिस्टेंस इज टू क्या होता है स्पीड इंटू टाइम और यहाँ पर सब चीज़ मतलब सेम यूनिट में ही दिया हुआ तो हमें कोई दिक्कत नहीं मान लेते हैं फोर्टी इंटू हो जाएगा हमारा डिस्टेंस ठीक है और यही जो है इक्वल टू होगा क्योंकि जब हम लोग को सिक्सटी किलोमीटर पर आर से ट्रैवल करेगा और हम लोग मान लेते हैं टाइम टी लेगा क्योंकि हम लोग को यही निकालना है टाइम टी निकालना है तो इस दोनों को इक्वेट कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा टाइम टी इज़ इक्वल टू फोर्टी इंटू नाइन बाई सिक्सटी तो आपका आ गया थ्री से ट्वेंटी और थ्री थ्री से नाइन ट्वेंटी टू सा तो हमारा आ गया सिक्स आर तो हमारा जो सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन वन ऑब्वियसली यहाँ पर सिक्स आर आएगा क्योंकि आपका स्पीड जो है वो बढ़ जा रहा है पहले फोर्टी से ट्रैवल करता है तो नाइन ले रहा है जब सिक्सटी से ट्रैवल करेगा तो कितना हो जाएगा सिक्स आर लेगा ठीक है अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द स्पीड ऑफ अ बस इज सेवेंटी टू किलोमीटर पर आवर द डिस्टेंस कवर्ड बाई द बस इन फाइव सेकेंड इज़ अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका जो जो स्टार्टिंग का जो स्पीड दे दिया है वो दे दिया है बहत्तर किलोमीटर पर आवर ठीक है और आपका जो टाइम दे दिया है ये दे दिया है फाइव सेकेंड्स अभी हमने यूनिट्स एंड कन्वर्जन में यही देखा था यही तो हमने देखा था ना कि अगर आपका स्पीड दे देगा टा, अगर किसी दूसरे यूनिट में और टाइम दे देगा दे किसी दूसरे यूनिट में तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे न यहाँ पर आप कर सकते हैं फाइव को चेंज कर सकते हैं आर में या तो स्पीड को चेंज कर सकते हैं मीटर पर सेकंड में ठीक है तो हमारे लिए इजी है कि हम स्पीड को ही मीटर पर सेकंड में चेंज कर दें तो हमारा 72 किलोमीटर पर आर जो है वो अगर उसको हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हम लोगों को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 बाई एटीन से हमने देखा था तो 72 टू इंटू फाइव बाई क्या हो जाएगा 18 फोर जा तो हो गया 20 मीटर पर सेकेंड ना अगर कोई भी बॉडी 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव करता है तो वो 5 सेकेंड्स में कितना कवर करेगा 20 इंटू फाइव दैट इज़ हंड्रेड मीटर्स तो हमारा सही ऑप्शन जो है वो हो गया ऑप्शन वन नो आपने यहाँ पे देखा कि हम लोग कैसे तुरंत इजिली कन्वर्ट कर ली अब आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं करना है कि फाइव बाई एटीन होगा या एटीन बाई फाइव होगा जब आप समझ जाएंगे कि वन थाउजेंड कैसे आता है वन थाउजेंड और थर्टी सिक्स हंड्रेड कैसे आता है तो आप ये वाला रिलेशन भूलेंगे नहीं कैसे किलोमीटर बाई किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में करना है या मीटर पर सेकंड को जो है वो किलोमीटर पर आर में करना है अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टू मैन स्टार्ट टूगेदर टू वॉक अ सर्टन डिस्टेंस वन ऐट फोर किलोमीटर पर आर एंड अदर एट थ्री किलोमीटर पर आर द फॉर्मर अराइव हाफ एन आवर बिफोर द लेटर फाइंड द डिस्टेंस ठीक है यहाँ पर आपको दे दिया है कि दो आदमी हैं दे स्टार्ट टुगेदर तो मानते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव कर रहे हैं ठीक है और बीच का डिस्टेंस डी है न एज को जो है दो मैन है तो मानते हैं मैन वन जो है और मैन टू मान लेते हैं तो ये जो है ये फोर किलोमीटर पर आर की स्पीड से जा रहा है ये थ्री किलोमीटर पर आर की स्पीड से जा रहा है और दोनों साथ स्टार्ट किए हैं तो बोल रहा है कि जो द फॉर्मर अराइज हाफ एन आवर बिफोर द रेट है मीन्स ऑब्वियसली तो फोर किलोमीटर स्पीड जिसका ज़्यादा रहेगा उसको टाइम कम लगेगा तो मैन वन जो एम वन है वो आधा घंटा पहले पहुँच जाता है एम टू से ठीक है तो हम लोग पहले मान लेते हैं कि डी डिस्टेंस है तो एम वन का टाइम कितना हुआ डी बाई फोर और एम टू का टाइम क्या हुआ डी बाई थ्री अब दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो हाफ एन आर है तो d बाई थ्री क्योंकि d बाई थ्री जो है टाइम ज़्यादा होगा तो d बाई थ्री माइनस डी बाई फोर इज हाफ ठीक है तो यहाँ से हमारा क्या आ गया डिस्टेंस हम लोग निकाल लेते हैं d इज़ इस ये इसका एल्शियम लीजिए तो क्या आ जाएगा ट्वेल्व तो ये हो जाएगा फोर माइनस थ्री इज इक्वल टू हाफ तो आ जाएगा d इन टू वन बाई ट्वेल्व इज हाफ d तो इज सिक्स किलोमीटर तो हमारा जो डिस्टेंस आ गया वो आ गया सिक्स किलोमीटर देखा आपने इसमें भी वही था कुछ नहीं था बेसिक कंसेप्ट था कि डिस्टेंस और टाइम के बीच का रिलेशन जो होता है डिस्टेंस इज़ इक्वल टू स्पीड इन टाइम अगर हम लोग को यहाँ पर टाइम मतलब टाइम जो है वो डिफरेंस दिया हुआ था और टाइम हमने ले लिया डिस्टेंस बाई स्पीड ठीक है तो ये आज जो है हमने बेसिक क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व किया है ठीक है नेक्स्ट हम लोग जो लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में जो है हमने हम लोग स्टार्ट करेंगे एवरेज स्पीड उसके बाद एवरेज स्पीड का जो है क्वेश्चंस देखेंगे और एकदम टिपिकल क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो मैक्सिमम जो मैक्सिमम लेवल का जो डिफ़िकल्टी का जो क्वेश्चन होता है उसको भी हम लोग एवरेज स्पीड में देखेंगे उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है और भी जो कंसेप्ट है जो रिलेटिव स्पीड का और उसको देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे ठीक है और लास्ट में लेक्चर के लास्ट में हम लोग जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन होता है जितना भी जितना भी टाइप का क्वेश्चन आता है हर टाइप का एक एक क्वेश्चन हम लोग जरूर देखेंगे तो इससे आपका होगा क्या कि आपका स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एग्जाम में कवर हो जाएगा ठीक है सो so, आप लोग इस लेक्चर को फिर से प्रैक्टिस करिए और मैं अगर जब हम लोग इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ जब स्पीड एंड डिस्टेंस टाइम में करेंगे तो उसमें हम लोग को परसेंटेज का कंसेप्ट यूज़ आएगा तो आप परसेंटेज को जो है फिर से रिवाइज़ करिए और उसको अच्छे से देखिए कि क्या होता है इंक्रीज एंड डिक्रीज़ ठीक है तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक थैंक यू